अयोध्या के उस कुटी में है जहां पर अशोक सिंघल जी रहते थे और उन्होंने ये कार सेवक पूरब के शिला रखे थे, शिला भगवान के मंदिर के। आज वो अपने घर में है, इसी कुटिया में है हमारे साथ अशोक तिवारी जो विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री हैं। इनसे जानेंगे कि वो संघर्ष के समय में और आज के समय में क्या फर्क वहां से क्या प्रफुल्लित है, क्या बदलाव देख रहे हैं इसके बारे में। यह संपूर्ण कार्यक्रम जो कल हुआ, एक प्रकार से पूरे देश नहीं तो विश्व के जो राम भक्त हैं उनके लिए आनंदोत्सव था। जिस प्रकार से भगवान 14 वर्ष के पश्चात अयोध्या लौटे थे, उसी प्रकार से भगवान श्री रामलला 500 वर्ष बाद पुनः अयोध्या अथवा अपनी जन्मभूमि में विराजित हुए हैं, लौटे हैं, उनकी प्रतिष्ठा हुई है। यह बड़ा आनंद का विषय है। विश्व हिंदू परिषद के हमारे सभी लोगों ने जब यह संकल्प लिया पूज्य संतों के साथ में कि रामलला का मंदिर वहीं बनाएंगे, तब समाज में अलग प्रकार का एक वायुमंडल था। राजनीतिक दलों का विरोध था, वामपंथियों का विरोध था और सामान्य वर्ग लोग ये कहते थे कि आप ये कौन सी बात कर रहे हैं, यह संभव है क्या कभी, ऐसा एक वायुमंडल बना था। लेकिन भगवान की कृपा से, जो मानस में चौपाई आता ना आती है, प्रभु की कृपा भयो सब काजो, जन्म हमारा सफल हुआ आजो, तो कितने लोगों ने यह दिन देखने के लिए और प्रतिज्ञा की थी, प्रण किया था कि हमारे जीवन में यह दिन आना चाहिए। हालांकि वह लोग जो इसके आंदोलन के प्रणेता थे, माननीय श्री अशोक सिंघल जी, जगतगुरु रामानंदाचार्य, शिवरामाचार्य जी, जो जमुना मुक्ति यज्ञ समिति के, श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के अध्यक्ष थे महंत पूज्य अवैधनाथ जी महाराज, न्यास के अध्यक्ष आचार्य रामचंद्र दास परमहंस जी, ऐसे कितने लोग, वामदेव जी महाराज, बाबा अभिराम दास जिन्होंने 49 में भगवान का प्राकट्य किया था, तो ऐसे कितने लोग तो इस आकांक्षा को लेकर चले गए। लेकिन आज वह सब बड़े प्रसन्न होंगे, जहां भी होंगे, जिस रूप में होंगे। और अभी मैंने एक होर्डिंग देखी थी, इन सबके चित्र लगे हुए हैं और उसमें लिखा था नीचे हम सब यही हैं, तो वह भी प्रसन्न हो रहे होंगे। मैं समझता हूँ कि अब वनवास टूटा भगवान का, अब राम राज्य केवल भारत में नहीं तो दुनिया में आएगा। दुनिया भगवान राम के आदर्शों को शांति से पालन करेगी, शांति से रहना चाहती है तो उनका अनुगमन करेगी, और राम की मर्यादा, जो राम ने अपने जीवन में मर्यादाएं रखी, उन मर्यादाओं की प्रतिष्ठा इस रामलला की प्रतिष्ठा के साथ साथ हुई है। रामलला की प्रतिष्ठा से हुई है। आपने कहा कि जो शिला रखे वो आज नहीं है तो कहीं ना कहीं प्रफुल्लित होंगे, उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहा। लेकिन कुछ लोगों का अपना भ्रमित है कि मंदिर यहाँ नहीं था, भगवान नहीं थे, इस विषय पे छोटा सी बात। अब देखिए, यह तो लोगों की धारणाएं रहती हैं। कुछ लोग भ्रम फैलाने के लिए इस जगत में पैदा ही होते हैं और यह तो सब चलता रहता है। गुण और दोष साथ साथ चलते हैं। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, तो यह तो सब चलता है। लेकिन जो गुणी जन है, जो अच्छे जन है, वो जानते हैं कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, सत्य और असत्य में सब भेद कर सकते हैं। सभी लोग जानते हैं, सबको भगवान ने विवेक दिया हुआ है और इसलिए जो भ्रम फैला रहे हैं उनका भ्रम टूटा है, वो निराशा के गर्त में गिरे हैं और इसलिए वो खींच भी रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सब नहीं चाहते थे कि भगवान राम की प्रतिष्ठा हो, उनकी मर्यादाओं की प्रतिष्ठा हो, भारत का सम्मान दुनिया में बढ़े। कुछ लोग ऐसे थे जो विदेश के हाथों पर खेलते थे, उनके लिए विदेश ही सब कुछ था और भारत की प्रतिष्ठा नहीं चाहते थे, तो उनके मन में तो खींच रहेगी। वही इस प्रकार का भ्रम फैला रहे हैं, जो विदेशों की तरफ देखते रहते थे, जिनके आका विदेशों में है, जो विदेश को ही सर्वस्व मानते हैं, ऐसे लोग हैं। वामपंथ कहाँ से आया, वो भारत की देन है क्या? भारत तो आस्थावान देश है, भारत ईश्वर में विश्वास करने वाला देश है। इस देश के अंदर जो आस्थावाद पैदा किया वह विश्व की देन है, माने विदेश की देन है, तो वो लोग भ्रम में है। सत्य और असत्य की प्रकाष्ठा टूटी और आज हम देख रहे हैं कि पूरा राम में अयोध्या, एक तिल रखने की जगह नहीं है,
प्रभु के गर्भगृह या मंदिर प्रांगण में सुबह से ही लोग लाइन लगाए हैं। तो ये आस्थाओं का ही है, ये देश आस्था का है, इसमें क्या है? देखिए, सत्य की हरदम जीत होती है। सत्य को कुछ दिनों के लिए कुछ लोग दबा के रख सकते हैं, लेकिन अंततः सत्य प्रकट होता है। उग्रह यंत न होए निबाहु, काल नैम जिम रावण राहु। और यह केवल अयोध्या का वातावरण नहीं है, आप तो अयोध्या को देख रहे हैं। मेरे पास में देश के तमाम शहरों से फोन आए, गांवों से फोन आए, कार्यकर्ताओं के फोन आए कि हमारे यहाँ कितनी बड़ी दिवाली आज मनाई गई है। दीपावली पर जितनी दिवाली लोग नहीं मनाते हैं, उससे ज्यादा लोगों ने आनंद, हर्ष, उल्लास जो है वो प्रकट किया और दीपावली मनाई है। दीप जलाए हैं, पटाखे छोड़े हैं, फुलझड़ियां छोड़ी हैं। मैंने किसका किस रूप में उसका वर्णन करूं? ऐसा केवल भारत में नहीं, तो दुनिया के ही तमाम देशों से कार्यकर्ता फोन कर रहे हैं कि आज हमारे यहाँ बड़ा आनंद आया, हम लोगों ने बड़ी दीपावली मनाई, हम लोगों ने पूरा कार्यक्रम देखा, लाइव टेलीकास्ट देखा। तो ये सब पूरे विश्व में जहां जहां भी राम भक्त है तो वो मना रहा है, कर रहा है। सत्य जीता है, सत्य स्थापित हुआ है, सत्य की प्रतिष्ठा हुई है, सत्य पर विश्वास जगा है। यह आस्था की जीत है, राम के भक्तों की आस्था की जीत है। आप हमसे बात किए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सत्य और असत्य पे सत्य की विजय हुई, ये आस्था की जीत हुई। और आस्था ही है कि जो आज पूरी अयोध्या राम में है। अयोध्या से विजय पांडे, जन्मारी न्यूज।